अस्ति स्वस्तरुणीकराग्र विगल कल्प प्रसून प्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलिहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त स्रस्त निबद्धनी विविलशद गोपी सहस्त्रावृतम् हस्तन्यस्तन तापवर्गमखिलो तारं किशोरकृति कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपर्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तये कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय हरी
पद्धति की भागवत कथा है, एक व्यास पद्धति और दूसरी नारद पद्धति। व्यास पद्धति की कथा होती है उसमें कीर्तन भजन पद पदावली ये कुछ नहीं होते, केवल कथा होती है। 24 घंटे कथा चलती है, प्रथम दिन से लेकर 7 दिन तक एक मिनट के लिए भी कथा विश्राम नहीं होती, वो व्यास पद्धति है। कलयुग में लोग इसका पालन नहीं कर सकते, इसलिए नारद पद्धति की कथा है। नारद पद्धति की कथा कैसी है? सबकी अनुकूलता के अनुसार कथा प्रारंभ होगी, अनुकूलता के अनुसार कथा विश्राम होगी। प्रसाद भी पाएंगे, भोजन भी करेंगे, शयन भी करेंगे, भ्रमण भी करेंगे और कथा भी सुनेंगे। पर नारद पद्धति में विशेष रूप से कीर्तन संकीर्तन भजन इनको प्रावधान दिया गया है। इस कथा में कीर्तन संकीर्तन आवश्यक होता है नारद पद्धति में, और अगर इन नियमों का पालन ना किया जाए, कीर्तन संकीर्तन करताल नृत्य आदि नारद पद्धति में ना किए जाएं, तो ऑटोमेटिक कथा व्यास पद्धति में परिवर्तित हो जाती है और फिर 24 घंटे होनी चाहिए, बिना रुकावट के होनी चाहिए। अब हमारी क्या है कि ना तो व्यास पद्धति रह रही है ना नारद पद्धति, इसलिए नारद पद्धति में है तो उसका पूर्ण निर्वहन करो। जब भी संकीर्तन हो, ये दो भुजाओं से आपको करताल बजानी है, उठिए मत नाचिए मत, कोई आवश्यकता नहीं है, पर करताल बजानी है, करताल बजा के गाना है, तभी नारद पद्धति पूर्ण होती है। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। पंडरीनाथ रमण हरि बोल।
बिहारी लाल की राधा रमण लाल की राधा वल्लभ लाल की भागवत महापुराण की सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की समस्त ब्रजवासीन की भू वैकुंठ श्री पंडरपुर धाम की श्री चंद्रभागा मैया की श्री ज्ञानदेव तुकाराम जी की जय। सब भक्तन की श्री पंडरीनाथ भगवान की श्री रुक्मणी मैया की भक्तराज श्री पुंडलीक जी की जय। गोवर्धन नाथ की गिरिराज धरणे की श्याम सुंदर श्री अमने महारानी की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। द्वारिकाधीश की जय। परमंगल में परात प्रखिलेश्वर अकारण करुणा वृणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्वत विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण हम आप सबके मध्य में विराजमान हैं, उन्हें बारंबार प्रणाम। श्री पंडरीनाथ भगवान की परम कृपा से भू वैकुंठ श्री पंढरपुर धाम में हम आप सब लोग चंद्रभागा नदी के तट पर अविराजित होकर के हमारे परतानी परिवार के सत्संकल्प से यह सुख यह आनंद हम लोग भागवत कथा के श्रवण के माध्यम से ले पा रहे हैं, यह हमारा परम सौभाग्य है। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बालक मित्र सखा विराजमान सभी श्रोताओं को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सियाराम, जय श्रीमन्नारायण। बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। श्री पंढरपुर धाम परम पूजनीय श्री डोंगरे जी महाराज एक बात कहते थे कि ठाकुर जी की जब द्वारिका लीला विश्राम होने लगी तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि अब हम क्या करें, तो वैकुंठ जाने की इच्छा तो बहुत थी, भैया इसको ठीक करो, ऐसे गूंज नहीं, बिल्कुल नॉर्मल करो।
वैकुंठ जाने की इच्छा तो है, पर ठाकुर जी ने मन में विचार किया आप क्या करें, वैकुंठ तो नहीं जाने का भाव है, द्वारिका में रह नहीं सकते। तो ठाकुर जी के मन में विचार आया कि हम वृंदावन चलते हैं। लेकिन तभी ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि अगर वृंदावन गए तो सदा के लिए वृंदावन में ही रह जाएंगे, वहां से फिर जा नहीं पाएंगे। तो ठाकुर जी श्री द्वारिका धाम से लीला पूरी करके पंढरपुर आ गए और यहाँ पुंडलीक पर कृपा की और पुंडलीक पर अनुग्रह करके ठाकुर जी ने पंढरपुर को ही वृंदावन का स्वरूप बना दिया। ऐसा यहाँ के वैष्णव मानते हैं। जो भीमा नदी यहाँ बहती है वो आगे भीमा है पीछे भीमा है, पर जब वो पंढरपुर में प्रवेश करती हैं तो उनका नाम चंद्रभागा है, परंतु उनको श्री यमुना जी का ही स्वरूप माना जाता है कि श्री यमुना जी हैं। पंढरपुर को श्री वृंदावन का ही स्वरूप माना जाता है। यहाँ पास में गोपालपुर नाम का गांव है, उसको गोवर्धन का स्वरूप माना जाता है। वहां ठाकुर जी ऊंचाई पर विराज रहे हैं। कई भक्तों को, कई रसिक जनों को ठाकुर जी ने यहाँ पर ब्रज की लीलाओं जैसा दर्शन कराया है। सखाओं के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, किसी के घर पर कुछ माखन खा करके आ रहे हैं, ऐसी ब्रज लीलाएं ठाकुर जी ने पंढरपुर में प्रकट की है। थोड़ी शार्पनेस कम करो। तो ऐसा ही पंढरपुर धाम परम आनंद परम उत्साह का अनुभव हो रहा है यहां आकर के। कल कथा का प्रारंभ हुआ, प्रथम दिवस में हम आप सब लोगों ने महात्मा का एक अंश सुना, आज उसी में आगे बढ़ेंगे और उन्हीं बीच में श्री पंढरपुर धाम की महिमा और कुछ भक्तों के चरित्र सुनेंगे। आप सब लोगों को आवाज आ रही है? भैया किसी को आवाज नहीं आ रही पीछे। हमको भी नहीं आ रही है हमारी। क्या है, ऊपर ऐसे टीन है ना, तो उससे टकरा करके ऐसे रिटर्न आती है आवाज, ऐसा कुछ भाव है। बाकी तो सब जाने। बोलो पंडरीनाथ भगवान की जय। कल महात्मा का प्रथम भाव हम आप सबने सुना। इसी में आगे क्रम में नारद जी महाराज सनत कुमारों से प्रश्न करते हैं और उस प्रश्न में ये जिज्ञासा प्रकट करते हैं कि नाथ के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोक हितं विचार्यं प्रकाशितः कोऽपि नवीन मार्गः। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से कौन कौन लोग पवित्र होते हैं कृपा करके हमको बताओ, भागवत की कथा श्रवण करने से कैसे कैसे लोगों के कैसे कैसे प्रकार के पाप नष्ट होते हैं कृपा करके हमें बताओ। तब सनत कुमार उत्तर देते हुए कहते हैं, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। सनत कुमार कहते हैं जिस मानव ने अपने जीवन में सारे पाप किए हों, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, और वो यदि श्रीमद् भागवत की कथा सुने
तो भागवत जी उस पर अनुग्रह करेंगी और वो अपने पाप से रहित होता चला जाएगा। अच्छा एक बात, हम एक बात कहते हैं कथाओं में कि कथा सुनने मात्र से पाप नष्ट नहीं होते हैं। कथा में जब तक आप सत्संकल्पित नहीं हो जाओगे कि हमको अपना ये पाप जो है निवृत्त होना है, अपना जो ये दुर्भाव है इससे हमें मुक्त होना है, तभी आप पाप निवृत्त हो पाओगे। संकल्पित होकर के कथा श्रवण करेंगे तभी भागवत जी कृपा करेंगे। कोई व्यक्ति बहुत पाप किया है और वो कथा में आकर के बैठ जाए और उसके बाद वो शुद्ध हो जाएगा, ऐसा कम चांस है। लेकिन हाँ, वो संकल्पित होकर बैठ जाए कि भागवत जी आप मुझे पवित्र करो, मैं वचन देता हूं कि मैं पवित्र अपने हृदय को अंतःकरण को पवित्र करूंगा, तो निश्चित है कि उसका हृदय का पाप भागवत जी पवित्र कर देंगे। लेकिन भागवत जी को भी एक वचन चाहिए, हम आपके पाप को निवृत्त करेंगे लेकिन आप भी वचन दो दोबारा ये करना नहीं, तब भागवत जी पवित्र करती हैं। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्ग का, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। आप संकल्पित होकर के कथा में बैठिए और भागवत जी को वचन दीजिए कि हे भागवत जी आप हमें पवित्र करो, हम वचन देते हैं कि पुनः ऐसा नहीं करेंगे, तब भागवत जी पवित्र करती हैं। और कहीं आपने पुनः वो पाप करने का प्रयास किया, भागवत जी ने आपको पवित्र कर दिया, आपके पाप निवृत्त कर दिए, और कथा सुनने के बाद यदि आपने वो पुनः दोहराया तो उसका दुष्परिणाम ये होगा कि वो पाप तो लगेगा लेकिन पुराने पाप भी जो आपने गंगा स्नान से नष्ट किए हैं, जो आपने व्रत अनुष्ठान से खत्म कर दिए हैं, जो अपने भजन साधन से आपने समाप्त कर दिए हैं, वे सब भी पुनः प्रकट हो जाएंगे। समझ में आई बात? अब हमारी आवाज आ रही है, आप सबको सुनाई दे रहा क्या बोल रहे हैं? बस हमें नहीं आ रही, लेकिन हमें ऐसे लग रहा है कि हम बोल अब रहे हैं, आवाज एक मिनट धीरे आ रही है। आपने गंगा स्नान किया, बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री आदि सब धामों में आप गए, तीर्थों के जल का पान किया, अनुष्ठान व्रत नियम आदि सब किए, और इन सब के करने से जो आपके प्रारब्ध एवं पाप नष्ट हुए। अच्छा एक और बात कि हमारे व्रत नियम करने से पूर्व के पाप तो नष्ट होते ही हैं, कई बार प्रारब्धों से जीवन में आगे जो आप गलत करने वाले हो वो भी शुद्ध हो जाता है। हमारे नियम साधन करने से हम अपने भविष्य में जो करने वाले हैं सब पूर्व निश्चित है, सब पता है सबको, ठाकुर जी ने सब पहले से ही रेखा खींच करके रखी है। अच्छा एक बात, ठाकुर जी ने ऐसी रेखा नहीं खींची कि भाई ये करते 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 जब ये 26 साल का होगा तो इससे ये गलत काम करवाना है, नहीं, ठाकुर जी वो नहीं करते हैं। ठाकुर जी एक रेखा खींच देते हैं और 26 साल पर एक डॉट बना देते हैं, बोले कि इस उम्र में इसको एक अवसर मिलेगा कि या तो ये पाप करे या फिर ये पुण्य करे। अब ये अपनी बुद्धि से विवेक से अपने कर्म से अगर पाप का मार्ग अपनाएगा तो इसकी रेखा आगे से ऐसी होगी, बदल जाएगी, जैसे पटरियां होती हैं रेल की, ऐसी हमारी पटरियां हैं। अब कौन चिल्लाया भाई, एक बार यहां पीछे जाके बोले आओ, आज कोई छोंक नहीं लगा दे। हाँ कहीं पता चली छींक ही मर रही है सब लोग, यहां बोल दो कि कथा चल रही है, कोई बोले ना अभी। बोलो पंडरीनाथ भगवान की जय। बहुत सुंदर भाव है यदि ध्यान पूर्वक सुनो तो। कई लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि क्या हमारा जीवन पूरा ठाकुर जी ने नियमित रूप से, ठाकुर जी ने ही सजा करके रखा है,
तो हमारी जीवन में घटने वाली हमारे ही द्वारा गलत बात भी ठाकुर जी ने ही डिजाइन करी है कि इससे ये गलत काम करवाना है। आप कहते हो सब ठाकुर जी करते हैं, तो फिर हमसे जो गलत हुआ होई सोई जो राम रचि राखा। ठाकुर जी केवल एक लाइन ड्रॉ करते हैं हमारे जीवन की, और उसमें किसी किसी वर्ष पर ठाकुर जी एक डॉट बना देते हैं कि अपने बुद्धि विवेक से जब ये इतने वर्ष का होगा तो इसको अवसर मिलेगा पाप करने का, तो इसको अवसर मिलेगा कुछ गलत करने का, तो इसको अवसर मिलेगा कुछ अनहित करने का। अगर इसका बुद्धि विवेक सुदृढ़ नहीं होगा, ये सत्संगी नहीं होगा, गुरु माता पिता की आज्ञा नहीं मानता होगा, तो यहाँ ये गलत करेगा, और जैसे ही गलत करेगा तो फिर इसका मार्ग दूसरा हो जाएगा, और फिर ये नरक की ओर भी जाएगा, क्योंकि ठाकुर जी को नरक भी तो बनाया है, वहां पर भी तो व्यवस्था देखनी है, सबका अच्छा ही अच्छा थोड़ी होगा। लेकिन वही व्यक्ति अगर शुद्ध बुद्धि से रहे, वही व्यक्ति यदि शुद्ध विचारधारा, गुरु माता पिता और ग्रंथों की आज्ञा मानता हुआ चले, तो मान लीजिए जैसे 26 वर्ष की आयु में उसको कुछ गलत करना है, लेकिन वो विवेकी है, तो गलत वस्तु का अवसर तो मिलेगा लेकिन वो करेगा नहीं, उससे बचेगा, निकल जाएगा। अवसर सबके जीवन में आता है गलत करने का, अवसर सबके जीवन में आता है भोग भोगने का, अवसर सबके जीवन में आता है दूषित क्रिया करने का। ऐसा नहीं है कि कोई वैष्णव हो या कोई भक्त हो उसके जीवन में कोई गलत अवसर या पाप अवसर नहीं आता, सबके जीवन में आता है, लेकिन वे अपनी मर्यादाओं को समझते हुए अपने गुरुजन की आज्ञा, अपने माता पिता की आज्ञा, अपने परिवार के एक डेकोरम को समझते हुए उस चीज को नहीं करते, उससे निकल जाते हैं। ऐसे ही पापियों के जीवन में, दूषित कर्म हमेशा करने वालों के जीवन में अवसर आता है सुधरने का, अवसर आता है कुछ अच्छा करने का, अवसर आता है भगवत सन्निधि प्राप्त करने का, लेकिन वो उसको नकार देते हैं, नहीं अपनाते और वैसे ही बने रहते हैं जैसे हैं। जैसे स्कूल में पढ़ते समय अगर एग्जाम में फेल हो जाए, सब लोग इधर देखो, यहां देखो, अब चाहे जो हो ठीक है, चाहे भूकंप आ जाए, यहां से दृष्टि मत हटाना, मैं भी आपसे नहीं हटाऊं, चाहे आवाज आवे, चाहे छोंक लग जाए, चाहे विसल आवे, चाहे माइक बंद हो जाए, आप मुझे देखो, मैं आपको देखो, क्या बता रहा था, बहुत अच्छी बात बता रहा था कोई, हाँ, जैसे स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में अगर बच्चा एग्जाम में फेल हो जाए तो उसको अवसर मिलता है ना री एग्जाम, वो अपना री एग्जाम करके जो उससे गलती हुई उसको सुधारने का उसको अवसर मिल जाता है। ऐसे ही सबको अवसर मिलता है अपने जीवन में, लेकिन उन अवसरों को प्राप्त करने के बाद भी जो नहीं संभलता, फिर ठाकुर जी उसको नरक भेज ही देते हैं, बोले अब तू वहीं जा, और उसके बाद वो अवसर मांगता रहता है, नाथ अब दे दो, अब नहीं करूंगा, ठाकुर जी कहते अब नहीं, अब अवसर नहीं मिलेगा, अब तो 84 लाखों में भटको, ये करो वो करो, सबसे निवृत्त होके तब तुमको अवसर मिलेगा। तो श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से पाप नष्ट तो होते हैं, हम पापों से निवृत्त तो होते हैं, लेकिन अगर पाप नष्ट निवृत्त होकर के हम भागवत जी श्रवण कर लें, उसके बाद यदि हमने पुनश्च पाप किया या पुनश्च गलत कर्म किया, तो जो नष्ट हुआ था वो तो दोबारा लगेगा ही, और पूर्व में भी जो आप नष्ट कर चुके हो या आगे भी जो आपके नष्ट होने वाले हैं सब प्रकट हो जाते हैं। इसलिए हम पहले ही प्रार्थना कर देते हैं कि या तो भागवत की कथा सुनिएगा नहीं, और यदि आप सुन रहे हैं और तो व्यास जी ने जो जो बातों को कहा कि ये नहीं करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, वो भले ही एक बार को छूट जाए, लेकिन जिसके लिए कह दिया गया ऐसा नहीं करना, तो मतलब वो करना ही नहीं है फिर, क्योंकि अगर वो किया तो एक व्यास की वाणी नहीं है, भागवत जी की वाणी है, पाप पुनः प्रकट होकर के आपको लग जाएगा। इसलिए भैया कथा सुनने से, गंगा जी स्नान करने से, चंद्रभागा में स्नान करने से,
आषाढ़ी एकादशी के दिन पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करने से, कपाट खुलने पर बद्री विशाल भगवान का दर्शन करने से, दीपावली पर लक्ष्मी पूजन करने से, आदि आदि ये जो बातें बताई जाती है ना, इनसे पाप नष्ट होते हैं। हो तो जाते हैं, पर आपका स्वभाव यदि करने का ही है बार बार पाप, तो नष्ट नहीं होते। मूल रूप से तो भैया बात यह है कि इन सब अवसरों पर आप अपनी अपने स्वभाव को नष्ट करो गलत करने के, तो पाप नष्ट होता है। तो श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से कितने भी पाप जीवन में किए हों, व्यक्ति के सारे पाप नष्ट होते हैं। तभी नारद जी महाराज बोलने लगे, बोले महाराज, क्या माता पिता से बैर करने वाला और माता पिता का द्वेष करने वाला, माता पिता से गलत भाव रखने वाला व्यक्ति भी कथा सुनने से पवित्र होता है? क्योंकि माता पिता से बैर करने वाले को तो कहते हैं कि ठाकुर जी के सामने यदि खड़ा हो जाता है ऐसा व्यक्ति जाकर के, तो ठाकुर जी भी मन में विचार करते हैं कि मेरा अभिषेक करके पुनः स्नान कर दो, इसके आने से मैं भी अपवित्र हो गया। मातृ पितृ दोष जिसके चित्त में है, माता पिता से द्वेष जिसके चित्त में है, ऐसे को ठाकुर जी कभी स्वीकार नहीं करते, वो चाहे कितने भी अनुष्ठान करता हो। और आप कह रहे हो कि भागवत की कथा सुनने से मातृ पितृ दोष से युक्त व्यक्ति भी ठीक हो जाता है? तब सनत कुमारों ने कथा सुनाते हुए कहा, सुनो हम तुम्हें एक कथा सुनाते हैं। तुंग भद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। धुंधुली नाम की उनकी एक पत्नी थी, कोई संतान नहीं थी, और संतान ना होने के कारण वो बड़े विचलित रहते थे। आत्मदेव ब्राह्मण ने मन में विचार किया कि मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूं, बिना बिना संतान के जीवन कैसा। बंधुओं एक बात सुनिएगा, जीवन में आपको जो भी मिल रहा है वास्तव में वो आपके लिए उचित है, इसीलिए आपको मिल रहा है। और जो आपको नहीं मिल रहा है, इसमें भी यही विचार कीजिए कि वो आपके लिए उचित है कि आपको नहीं मिल रहा, उसके लिए ज्यादा बेचैन मत होइए। समर कीजिए, विश्वास कीजिए, आपके लिए उपयोग होगा तो निश्चित मिलेगा, और आपके लिए उपयोगी नहीं है तो आप कितने भी प्रयास कर लीजिए नहीं मिलेगा, तो क्यों व्यर्थ जीवन में हम समय गवाते हैं। और कभी भी किसी भी वस्तु के ना मिलने पर मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूं, आत्महत्या कर लूं, या इस प्रकार की भावना तो चित्त में कभी नहीं आनी चाहिए। शास्त्र आज्ञा करते हैं, जो व्यक्ति अपने प्राणों का स्वयं त्याग कर देता है, वर्षों के लिए प्रेत योनि में जाना पड़ता है उसको। इसलिए कभी भी जीवन में जो ना मिले उससे कभी बेचैन मत होइए, दुखी मत होइए, प्रतीक्षा कीजिए, कुछ और अच्छा आएगा जीवन में, ये निश्चित है। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े परेशान थे कि मेरे संतान नहीं है, अपने प्राणों का परित्याग करने के लिए जैसे ही जाने लगे तभी एक ब्राह्मण उनको मिले और उन्होंने कहा कि आत्मदेव, तुम्हारा नाम आत्मदेव और तुम कर रहे हो अपनी आत्मा की हत्या, और केवल इसलिए कि तुम्हारे संतान नहीं है। अरे ठाकुर जी की कृपा है कि तुमको संतान नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारे यहां संतान योग बनता है तो तुम प्रसन्न नहीं रह पाओगे। आत्मदेव इस बात को सुनकर के और विचलित हो गए, चरणों में गिर गए, बोले नाथ आप तो सब जानते हैं, पर मुझे संतान चाहिए, भले ही उसके बाद मुझे दुख मिल जाए, पर बिना संतान का दुख मुझसे सहा नहीं जाता, आप कृपा करके मुझको संतान प्रदान करो। ब्राह्मण का हृदय बड़ा निर्मल था, उन्होंने आत्मदेव को एक फल दे दिया और कहा कि वैसे तो तुम्हारे संतान है नहीं, लेकिन तुम इतना कह रहे हो तो इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर एक दिव्य संतान जन्म लेगी। आत्मदेव उस फल को लेकर के अपनी पत्नी के पास आए, धुंधुली को वो फल प्रदान किया,
और एक वर्ष का एक नियम बताया, सत्यम शौचम दयादानम एक भुक्तुम तु भोजनम वर्षावध स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल। ये पांच नियम वैसे हैं तो बड़े कठिन, लेकिन यदि कोई कर ले तो निश्चित कल्याणकारी है। सत्यम, जैसे ही मां को पता चले कि अब गर्भ में बालक है, वो मजाक में भी झूठ ना बोले उसके बाद। अच्छा, सबसे पहले हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि यदि इस प्रकार के नियमों का पालन करते हुए और हरि को प्रणाम करके कि नाथ हमें आपके भक्त की कामना है, संतान वंश वृद्धि के लिए या फिर धन वृद्धि के लिए आदि आदि वृद्धि के लिए हो, ऐसी हमारी कामना नहीं है। हमारी कामना केवल यह है कि जो भी संतान हो वो आपका हरि भक्त हो, आपका चरण सेवक हो। ऐसी भावना के साथ गर्भ में बालक आए तो वो भक्त होगा। फिर उसके बाद मां को क्या चाहिए, जब तक बालक गर्भ में है, सत्यम, सबसे पहली बात सत्य का वाचन करें। दूसरी बात शौचम, परम पवित्रता रखे, अपने आसपास भी कोई गंदगी ना रखे। सत्यम शौचम, तीसरी बात दया, सब पर दया करे, शत्रु भी आ जाए उस पर भी दया करे। सत्यम शौचम दया और चौथा दानम, नित्य दान करे, अन्न दान धन दान वस्त्र दान जो भी दान कर सके। जब तक बालक का जन्म ना हो तब तक नित्य दान करे। सत्यम शौचम दया दानम और पांचवा और अंतिम एक भुक्तम तु भोजनम। पांचवा थोड़ा कठिन है, लेकिन अब इसके लिए तो वैद्यों से डॉक्टरों से घर के लोगों से पूछ ले। एक भुक्तम तु भोजनम, बाह्य भोजन जो है वो एक ही बार ही पावे, मतलब सामान्य भोजन, उसके अलावा फलाहार और भगवत प्रसाद ही ग्रहण करे। यदि ये पंच नियमों का पालन कोई मां करे, तेन पुत्रोत निर्मल, शास्त्र आज्ञा करते हैं उसका बालक निर्मल होगा। और शास्त्र क्या, श्रीमद् भागवत जी में महात्म कहते हैं कि उसका बालक निश्चित ही भगवत भक्त होगा। तो संतान गर्भ में धारण से पूर्व हरिस्मरण, हरि चिंतन, हरि प्रसाद ग्रहण, हरि सत्संग श्रवण, इस प्रकार हरि 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 ही चिंतन में चलते रहें। और जब स्थिति ये हो जाएगी, अब स्वप्न में भी हरि दिख रहे हैं, वाणी से भी हरि ही निकल रहे हैं और कुछ सुनने की इच्छा ही नहीं हो रही है, प्रसाद भी हरि का ही पा रहे हैं, तब गर्भ में बालक धारण हो। और उसके बाद जब तक बालक जन्म ना ले तब तक माँ का ये नियम होना चाहिए, पंच नियम भागवत में बताए गए, सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तम तु भोजनम। अच्छा, यहां पर लिखा है वर्षावधि, और बालक गर्भ में रहता है 9 महीने 8 महीने, तो यहां वर्ष क्यों लिखा, 12 महीने क्यों लिखे? तो बोले कि भाई जब मां के हृदय में ये भाव आए कि अब भगवत भक्त बालक गर्भ में होना चाहिए, तब से ही नियम प्रारंभ कर दे, उस नियम के मध्य में ही बालक गर्भ में आएगा, ऐसा भाव है, इसलिए वर्षावधि लिखा है, 1 महीने 1 वर्ष तक। इस नियम को प्रारंभ कर दे बस, और फिर जब तक बालक जन्म ला ले तब तक यही नियम रखे अपना, उनका बालक निर्मल भक्त होगा, श्री नामदेव जी जैसा, श्री तुकाराम जी जैसा, श्री भक्त प्रहलाद जैसा, ध्रुव जैसा, स्वामी विवेकानंद जैसा। निश्चित ही संसार में जितनी भी भगवत भक्त हैं, उनकी मां का अगर आप जीवन देखेंगे, माता पिता का जीवन देखेंगे, और पिता का तो भले ही मत भी देखो लेकिन मां का देखोगे तो निश्चित ही निर्मल रहा होगा, तभी उसके गर्भ से ऐसा भगवत भक्त हो सकता है। एक चीज हमने देखी है, अनुभव की है, भाई लोगों के कर्म, भाई लोगों की भक्ति, भाई लोगों के जप तप नियम अनुष्ठान, उनका फल घर में कम लगता है,
माताओं के नियमों का, माताओं के कर्मों का, माताओं के भावों का फल ज्यादा लगता है, बच्चों को, परिवार के लोगों को। भाई लोगों का भजन तो इतना नहीं लगता संसार परिवार में, उसके पीछे कारण है। जितने भी भाई लोग हैं ना, मतलब मैं भी, पुरुषों के ऊपर तीन ऋण हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। ऋण मतलब लोन, हमारे ऊपर लोन चल रहे हैं बहुत सारे, इसलिए हम कुछ भी करते हैं ना, यज्ञ अनुष्ठान जब तब, अच्छा सब में प्रायोरिटी भी पुरुषों को ही दी गई है। यज्ञ कौन करेगा? पुरुष करेगा। शालिग्राम भगवान की सेवा कौन करेगा? पुरुष करेगा। अनुष्ठान कौन करेगा? पुरुष करेगा। ये कौन करेगा? पुरुष करेगा। सब में पुरुषों को आगे रखा गया। इसको गलत भाव में माताएं ले जाती हैं, हमको प्रायोरिटी नहीं पुरुषों को, इस सब चीज में आगे क्यों? हमको जनेऊ पहनने के लिए मना किया जाता, पुरुष ही क्यों पहनेंगे? शालिग्राम भगवान की सेवा पुरुष ही क्यों करेंगे, हम क्यों नहीं कर सकते? भगवान की सेवा, भगवान को स्पर्श पुरुष ही क्यों करेंगे, हम क्यों नहीं कर सकते? सब चीज में माताओं की बड़ी शिकायत रहती है। देखो पहली बात, अरे पोंछा लगाने की बात आ जाए, अभी हॉल में पोंछा लगाना है और चार लोग हैं और उनमें से दो को ही चुना जाए कि भाई तुम दोनों लगाओ, तो बैठे हुए दोनों को खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? बताओ, खुश होना चाहिए ना, बढ़िया इनसे लगवाओ, हमको आराम करने दो। कोई भी काम करने के लिए जिसको कहा जाता है, जिस परिश्रम जिसको करने के लिए कहा जाता है, वो परिश्रम करे। बाकी के खाली बैठे लोग तो खुश होते हैं ना कि ठीक है हमको नहीं करना पड़ेगा, ये कर तो रहा है। तो माताओं को तो प्रसन्न होना चाहिए कि उनको इतनी ज्यादा व्यवस्था नहीं दी जाती है, मत देखो इधर देखो। हमने कहा ना कि भूमि हिल जाए तो, आज परीक्षा है, ये परीक्षात्मक कथा चल रही हमारी। अब की बार मैया जोर का बम ब्लास्ट भी हो तो भी मत देखना, होन दो, हमें कोई फर्क नहीं, हम तो कथा सुन रहे हैं। लो आपके चक्कर में मैं भूल जाता हूं क्या सुना रहा था, क्या बता रहा था। हाँ, तो पुरुषों के ऊपर ऋण रहता है, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, तीन प्रकार के ऋण हैं हमारे ऊपर। इसलिए हम कुछ भी करते हैं ना, हमने यज्ञ किया, अनुष्ठान किया, शालिग्राम जी की सेवा की, पंडरीनाथ भगवान की सेवा की, जप किया, नियम किया, तो वो हमारा ऋण ही इतना हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है कि वो वहीं खटता रहता है, वहीं लगता रहता है, हमको मिल ही नहीं पाता उसका कोई भी फल। लेकिन माताएं बहनों पर कोई ऋण नहीं है, वो कुछ भी पुण्य करती हैं ना, और वे पुण्य करके जब उसका फल लेती हैं तो पूरा पूरा फल उनको मिलता है। अब माताएं बहनें जिसको चाहें वो फल दे सकती हैं। अगर अपने पुत्र को चाहें तो वो फल पुत्र को मिल जाता है, वो फल पति को मिल जाता है, बेटी को मिल जाता है, पूरे परिवार को मिल जाता है। तो अधिकतर माताओं के द्वारा किया गया भजन पूरे परिवार को मिलता है, भाइयों के द्वारा किया हुआ नहीं मिलता। हाँ, वो बात अलग है कि एक स्थिति आई कि वो भाई जो है वो अपने जीवन के सारे ऋणों से उऋण हो गया, तब ऐसा होता है कि उसका फल परिवार को लगने लग जाए। पंडरीनाथ भगवान के एक भक्त हुए, उनका नाम था श्रीनिवास। क्या नाम था? पुर्याधनाश्री। बाद में उनका नाम पड़ गया था पुरंदर दास। क्या नाम पड़ा? इसलिए कीर्तन जब होता है तो श्री पंडरपुर में गाते भी हैं, पुरंदर आचा विठल 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 पांडुरंग विठल। तो श्रीनिवास नाम के भक्त हुए कर्नाटक में। उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी था, लक्ष्मीबाई, और मूल रूप से भी वो लक्ष्मीपति ही थे, इतना धन था उनके पास में, इतने धनवान अरब खरबपति थे। लेकिन एक बात आपको कहें, बुरा नहीं मानिएगा अगर कोई यहां बहुत बड़ा लक्ष्मीपति बैठा हो,
लक्ष्मी जिनके पास अधिक मात्रा में आ जाती है ना, 99% ऐसा होता है कि वो यज्ञ में निष्ठा रखेंगे, वो अनुष्ठानों में निष्ठा रखेंगे, वो इस प्रकार के क्रियाकलाप खूब करा देंगे, लेकिन उनके चित्त में भाव की कमी होती है, भाव उतना नहीं होता। प्रेम लक्षणा भक्ति धनवान को नहीं मिलती, ये क्षमा करें। प्रेमी भक्त जितने ठाकुर जी के मिलेंगे, वो बात अलग है कि कोई मीराबाई जैसी, कोई एकादी ऐसे निकलते हैं कि जो राजघराने में होते हुए भी ठाकुर जी के परम भक्त हो जाते हैं, नहीं तो वैभव जब चारों ओर होता है ना, ठाकुर जी की प्रेम लक्षणा भक्ति चित्त में नहीं आ पाती। तो श्रीनिवास जी बहुत धनवान थे, लेकिन बिल्कुल भी दान नहीं करते थे, पुण्य नहीं करते थे, बिल्कुल भी किसी को धन देते नहीं थे, महाकंजूस थे। लेकिन उनकी पत्नी जो थी वो परम भक्ता, परम वैष्णवी। पत्नी की भक्ति से ठाकुर जी के चित्त में आया कि ये इतनी भक्ता है तो इसका पति भी भक्त होना चाहिए। यही बात मैं बताना चाहता हूं कि जब मां भक्त होती है तो पुत्र के ऊपर मां के भक्ति के प्रभाव से पुत्र में वो अंश आ जाते हैं भक्ति के, और वो ठाकुर जी प्रदान करते हैं। पत्नी की भक्ति से कई बार पति भक्त हो जाता है, माताओं की भक्ति लगती है पूरे परिवार को। तो श्रीनिवास जी की जो पत्नी है लक्ष्मी बाई, वो बड़ी भक्त है, पर श्रीनिवास जी धनवान तो खूब हैं, पर दान पुण्य कुछ नहीं करते। ठाकुर जी के मन में आया कि लक्ष्मी बाई तो इतनी हमारी भक्त है, इसका पति श्रीनिवास भी हमारा भक्त होना चाहिए। तो ठाकुर जी एक दीनहीन से ब्राह्मण का रूप बना करके, एक सामान्य से बड़े अति दीन ब्राह्मण का रूप बना करके श्रीनिवास जी की दुकान पर आ गए। उनका बढ़िया कुछ व्यापार था, वहां पहुंच गए। श्रीनिवास जी बोले, कहिए विप्र देवता, क्या सहायता करें आपकी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान दीन इनसे ब्राह्मण बन के कहे, बोले देखिए, आप तो नगर सेठ हैं, आप पर तो इतना धन है, आपका तो इतना बड़ा व्यापार है, मेरे बालक का जनेऊ संस्कार यज्ञोपवीत होना है, मुझ पर ज्यादा धन नहीं है, यदि आप मेरी थोड़ी सी सहायता कर देंगे तो मैं अपने पुत्र का जनेऊ संस्कार कर दूंगा। श्रीनिवास जी ने मन में विचार किया, बोले कि आज इसकी सहायता कर दी तो कल कहेगा बेटे का ब्याह है उसके लिए कर दो, फिर उसमें कर दूंगा, कहेगा बेटे के बेटा हुआ उसमें सहायता कर दो, ये लगा ही रहेगा, एक बार सहायता कर दूंगा तो हमेशा के लिए इसके द्वार खुल जाएंगे, आता ही रहेगा कुछ ना कुछ मांगने। तो श्रीनिवास ने कह दिया, आज मैं बहुत व्यस्त हूं, आप कल आ जाना, जैसी आज्ञा। दूसरे दिन फिर से ठाकुर जी आ गए दीन इनसे ब्राह्मण, बोले आपने आज बुलाया था, आप कुछ सहायता कर दीजिए। अब वो अपना काम वाम इधर उधर करने लगा, दिखाने ऐसे लगा कि बहुत व्यस्त है। श्रीनिवास जी फिर बोले, आप कल आइएगा, मैं आज भी बहुत व्यस्त हूं, मैं कल आपसे मिलूंगा। ठाकुर जी बड़े दीनहीन, बड़े सरल, जैसी आज्ञा, मैं कल आ जाऊंगा, फिर चले गए। तीसरे दिन फिर ठाकुर जी आ गए। श्रीनिवास बोला, ये तो रोज आ जाता है, क्या करूं इसका। श्रीनिवास जी ने बाहर कुछ दो तीन बालक बैठा दिए, बोले जैसे ही ये ब्राह्मण आता है देखे मुझे बता देना, मैं कहीं भाग जाऊंगा, मैं मिलूंगा ही नहीं इसको। रोज कल 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 करते करते 3 महीने बीत गए। अब तो ऐसी स्थिति हो गई कि जैसे ही ब्राह्मण आता दिखता, श्रीनिवास कहीं से भाग जाता और सबको ये बोल देता, इसको बोल देना है ही नहीं, चले गए कहीं बाहर। कब आएंगे, बोले 2 महीना बाद आएंगे। 2 महीना की तो छुट्टी मिले। ठाकुर जी बोले, मैं 2 महीना प्रतीक्षा कर लूंगा, 2 महीने बाद आ जाऊंगा। और ठीक उस तिथि के 2 महीना बाद ठाकुर जी फिर आ गए। अब कोई हम आप जैसा व्यक्ति होता तो फिर अपना स्वाभिमान देखता, अरे क्या रोज रोज इसके द्वार पर जाना। लेकिन वो तो ठाकुर जी है ना, ठाकुर जी को स्वाभिमान थोड़ी रहता है, ठाकुर जी को तो ये इस पर कृपा करनी है मुझे, वो तो ढीट बन जाते हैं। और ढीट भी नहीं, हमारे ब्रज में तो ऐसा विनोद में कहते हैं, ठाकुर जी महा ढीठ बन जाते हैं। एक बार एक भक्त की कथा आती है कि
उससे सब लोगों कहते थे गंगा जी स्नान करने जाओ। वो गंगा जी इसलिए नहाने नहीं जाता था कि वहां पंडित पुजारी पकड़ लेंगे, कहेंगे दक्षिणा दो, वो दक्षिणा नहीं देनी पड़े, इसलिए गंगा जी नहीं नहाता था। पत्नी ने एक दिन कहा मैं भोजन नहीं बनाऊंगी और मैं मायके चली जाऊंगी अगर आप गंगा स्नान करके नहीं आए तो। तो गंगा स्नान करने गया तो साधारण घाटों पे नहीं गया, उस घाट पे गया जहां पर शव जलाए जाते हैं। वहां पे पंडे पुजारी होते ही नहीं है, बोलो मां नहाऊंगा तो कोई नहीं आएगा, कंजूसों की भी। अच्छा एक और चीज, हमने कई भक्तों के चरित्र देखे, कंजूसों से भी ठाकुर जी की बड़ी मैत्री है। दान पुण्य करने वाले तो ठाकुर जी के हैं ही, लेकिन जो कंजूस होते हैं ना ठाकुर जी उनका भी पीछा छोड़ते नहीं है, कैसे ना कैसे भी करके उनका पैसा निकलवाते ही हैं। ये किसी अन्य भक्त की कथा है कि वो फिर मरघटा में गया, शमशान के घाट पर जाकर के जैसे ही डुबकी लगाई और डुबकी निकाल लगा के बाहर आया तो ब्राह्मण का वेश धारण करके ठाकुर जी आ गए। आइए आइए यजमान, जय हो, बड़े दिनान में देखे। बोले तुम यहां भी आ गए? बोले हम तो सब जगह रहते हैं। लाओ लाओ भैया, आज हमारी सुबह से किसी ने तिलक बिलक नहीं किया, लाओ चलो कुछ दक्षिणा दो। वो कथा बड़ी लंबी है, बड़ी प्रसिद्ध भी है। उसने कहा घर आ जाना, तो ठाकुर जी घर पहुंच गए। पत्नी ने कहा बाहर ब्राह्मण खड़ा है, उसको दक्षिणा देनी है। कंजूस व्यक्ति बोला, बोले उनसे कह दो आज बीमार हैं, कल आ जाएगा। पत्नी ने जाके कह दिया, बोले हमारे पतिदेव तो बीमार हैं। बोले यजमान बीमार हो गया, मैं तो यहीं बैठ करके उसका अनुष्ठान करूंगा, जब तक ठीक नहीं हो जाएगा अनुष्ठान करता रहूंगा मैं। ठाकुर जी भारी जप माला लेकर के बैठ गए। पत्नी ने अंदर जाके बताया, बोले वो तो बाहर अनुष्ठान कर रहे हैं, तुम ठीक हो जाओ तब जाएंगे। मन में विचार करने लगा, बोले जाएगा नहीं, सुनो बाहर जाके उसको कह दो पतिदेव तो पधार गए, भगवत धाम चले गए। पत्नी बोली एक रुपया ही तो देना है, दे दो जाके। बोले क्यों दे दो, तुमको क्या पता कितनी मेहनत से कमाया जाता है, मना कर दो, कह दो पधार गए वो तो। पत्नी बिचारी थोड़ी रोती रोती सी गई, बोले आप अब चले जाओ, पतिदेव तो पधार गए। ठाकुर जी बाहर ब्राह्मण बन के बैठे, ठाकुर जी बोले मेरे यजमान पधार गए, अंतिम संस्कार मैं करा के जाऊंगा, मेरे यजमान है, उनकी शव यात्रा में जाऊंगा, उनकी अर्थी मैं बनवाऊंगा, चिता में लकड़ियां मैं लगवाऊंगा, अपने हाथ से अपने हाथ से एक एक लकड़ी रखवाऊंगा और मैं वेद मंत्र बोलूंगा, मेरे मंत्रों के उच्चारण से उनके अग्नि संस्कार होगा, मुझे नहीं चाहिए दक्षिणा, आप मत देना मुझको, अब मैं मुफ्त में उनका संस्कार करा के जाऊंगा। पत्नी दौड़ी दौड़ी गई, बोले एक रुपया निकाल के दे दो, वो तो संस्कार कराने को तैयार है तुम्हारे। कंजूस बोला सुनो एक काम करो, अर्थी लगाओ तुम, और अर्थी बंधवा करके लेट गया। बोले चुपचाप बस ले चलो, थोड़ी दूर तक चलेगा पर वो चला ही जाएगा, जब दिख जाएगा ना कि हाँ ये वास्तव में मर गया है तो कुछ नहीं मांगेगा। महाराज अर्थी पर चढ़ गया, राम नाम सत्य बुलवाता हुआ जा रहा है शमशान, लेकिन एक रुपया नहीं दे रहा है। ठाकुर जी भी चल रहे, बोले तू ढीट है, मैं महा ढीट हूं, मैं भी लेके ही जाऊंगा। शमशान पहुंच गए, वहां पर चिता बन गई, चिता में शव को रख दिया, उसका छोटा बच्चा, वो पिता अपने पिता के पास जाके, पिताजी दे दीजिए ना, वो यहीं खड़ा है, वेद मंत्र बोल रहा है, आपके सारे तो पिंडदान करवा दिए उसने, अब दे दीजिए उसको। बोले तू कुछ मत कर, तू परिक्रमा लगा के चिता में अग्नि लगा, जैसे ही थोड़ी अग्नि प्रज्वलित होगी ये चला जाएगा, मैं उठ के बाहर आ जाऊंगा। बालक ने जैसे ही चिता में अग्नि